हेलो नमस्कार दोस्तों, ज्वेलरी ईआरपी बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जब गोल्ड कोई सेल करते हैं तो समटाइम्स होता क्या है कि कस्टमर उस नई सेल के बदले में कुछ आपको गोल्ड रिटर्न करता है। मतलब कि अगर आपने एक रिंग उनको सेल की तो वो उसके पास कोई पुराने रिंग वगैरह भी होती है तो वो चाहता है कि पुराने रिंग आपको दे दे एंड नई रिंग ले ले और जो एडवांस जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो पे कर दे या तो उसका बचता है तो रिटर्न कर दे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे इस सॉफ्टवेयर में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अच्छा तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन में जाना है और सेल में जाना है। सेल में जाने के बाद आप इसको न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेल का विंडो ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको कैश में सेल करना है या किसी कस्टमर को करना है क्रेडिट में, तो दोनों ही चीज़ें हैं क्रेडिट में कर लेते हैं। और यहाँ पे सपोज ये हीरा भूषण भंडार ये हमारे कस्टमर है, हमने आइटम में आता है, मेक श्योर कि कर्सर को हमें कीबोर्ड से इंटर कर करके लाना। आइटम में आता है तो सबसे पहले हम उसका पुराना गोल्ड परचेज करेंगे फिर उसको सेल करेंगे। तो जैसे ही आइटम में हमारा कर्सर हो रहा है तो हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से फंक्शन F8 की प्रेस करना है। जैसे ही F8 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेल, सेल रिटर्न, परचेज और ऑर्डर आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए हमने जैसे ही वहाँ पे इंटर किया तो देखिए यहाँ पे परचेज आ गया आपसे विंडो पे। अभी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आइटम हमें सेल करना है। सपोज हमने उनको रिंग 24 सेलेक्ट किया और उसका ग्रॉस वेट क्या है वो हमें देख लेना है, नाप लेना है उनकी तराजू से कि कितना है वो। सपोज उनका 3.5 ग्राम का था, प्योरिटी कितनी थी 70%, आपने ये पता करना है। प्योरिटी आप करेंगे अच्छा, और वहाँ पे उसकी प्राइस लगाएंगे गोल्ड की जो आज की प्राइस है। तो सपोज अगर आज की प्राइस को चेंज भी करनी है तो आप यहाँ पे F3 करके नेट प्राइस डाल सकते हो कि आज की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 6000 गोल्ड की। नेट के हिसाब से निकाल ये हमारा डेबिट है। तो ये तो हुआ परचेज। परचेज जो हमने किया वो हमारा आ गया ये रिंग। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू भी निगेटिव दिखा रही है क्योंकि हमने परचेज किया है और इसका कलर ब्लू है। अभी हमें क्या करना है, इसको एक नई रिंग सेल करनी है। तो हम यहाँ पे फिर से फंक्शन F8 प्रेस करेंगे आइटम के पास ही, फिर से ये हमारा पॉपअप विंडो आएगा और अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल। सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या सेल करना है वो आइटम, जैसे कि उन्होंने चेन फीमेल उन्होंने लिया, कस्टमर चेन फीमेल ले रहा है और उसकी जो प्योरिटी थी वो भी और जो रेट है आज का हमने लगाया था 6000 का, तो हम यहाँ पे 6000 का रेट लगा देते हैं। अभी आप देखते हैं यहाँ पे कि इसका कलर जो है डार्क ब्लू ऊपर था और यहाँ मैरून कलर का है। जो हमने सेल की है वो इस तरह से है, जो परचेज किया था ब्लू कलर का था। इस तरह से आप ओल्ड गोल्ड को और न्यू गोल्ड को परचेज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा नेट वैल्यू ये आया 14700, ये आपका 14700 की सेल है और 2940 का इनका ये आपका परचेज था, ये आपका सेल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो हमने इसमें क्लिक किया तो ये दिखा रहा है आपका। अभी हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट देखेंगे। सर 1470 रुपये पेमेंट करना है, 1470 रुपये कैश में उसने हमें पेमेंट कर दिया। ये इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारा 1470 रुपीज उसका है सेल का और रिटर्न का इतना जस्ट हाफ प्राइस उसको फिर सेव करना है 1470 रुपीज उसने हमें पे कर दिया और हमने सेव कर। सेल के बाद अब इसका हम बिल देखेंगे तो इसका बिल किस तरह से दिखा रहा है ये देखिए। यहाँ पे देखिए
रिंग 24 ये आपका आ गया और चैन फीमेल ये आ गई, ये टोटल आया और यहाँ बन गया 1512 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स। तो टोटल टैक्स में जीएसटी बैठा दिया इसने, तो आपका ये आ गया। इस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं और बिल में इसको आप दिखा सकते हो कि रिटर्न है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपने दिखा रहा है ये टोटल वैल्यू, तो यहाँ टोटल बिफोर ये माइनस हो गया है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ रहा है। इसको हम कलर में भी दिखा सकते हैं दोस्तों, इस तरह से इसकी सेल करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।